देखिए मेरा इडली सांभर बन गया है, मैं इसको अब चख के देखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं चखती हूँ, देखती हूँ कैसा है। आप लोग भी अपना बना के आके बतलाइएगा कैसा बना। ठीक है, बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी है। ये सांभर बना रही हूँ, तो सांभर के लिए देखिए ये सब सब्जी लगता है, और मैं अभी सब काट के आपको दिखाती हूँ क्या क्या सब्जी। देखिए मैं सब्जी काट ली हूँ, आपको दिखाती हूँ कौन कौन सब्जी है। ये गाजर है, ये तुरई है, ये भिंडी है, ये टमाटर, ये शिमला मिर्च, ये लौकी। मैं थोड़ा बना रही हूँ इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सब्जी दे रही हूँ। आपका जो मन करे जो जो सब्जी देना आप दीजिए, मैं ये सब सब्जी दे रही हूँ। और ये मैं थोड़ा बना रही हूँ इसीलिए थोड़ा थोड़ा सब्जी दे रही हूँ। ये दाल है, और ये दाल मैं भिंगा के रखी हूँ। ये है ना इमली है, ये मसाला देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, मिर्चा, ये जीरा गोल मिर्च और नमक, ये चाट मसाला, मैं ये सब दे रही हूँ। और आपको जो अच्छा लगे वो सब दीजिए, मैं आपको अभी बनाते हुए दिखाऊंगी कैसे बनता। ये सांभर बनेगा, और ये सांभर का सब सामान है। अभी मैं ना ये बनाऊंगी सांभर और दिखाऊंगी कैसे बनता, उसके बाद मैं इडली का भी दिखाऊंगी कैसे बनाना। ये इडली कैसे बनता मैं बोली तो, लेकिन इडली अभी बतलाऊँगी कैसे बनता। ये रवा है सूजी, मुझे थोड़ा बनाना है इसलिए मैं थोड़ा ली, आपको जितना बनाना है उसमें ये लगेगा, ये दही रहेगी, ये जीरा है, ये मेरा है, इसको मिला के मुझे आधा घंटा के लिए भी रखना, आपको दिखाती हूँ। जितना रवा है सूजी नहीं, आप मुझे दही मिलाना है इसमें। देखिए मैं दही मिला रही, इसको आधा घंटा के मिला के मुझे रखना है, जब बनाऊंगी फिर दिखाऊंगी कैसे बनता है। मैं जीरा डाल दी इसमें, मसाला डाल दी, इसको मैं मिला के आधा घंटा की रखूँगी। देखिए मिला के इसको दही के साथ मैं आधा घंटा के लिए भी छोड़ दूंगी, जब फिर बनाऊंगी तो दिखाऊंगी कैसे बनता है। सामान डाल दूँगी, हल्दी नमक देखिए वाले भी चढ़ा ली सामान के लिए, दाल डाल दी हूँ, पानी डाल के हल्दी नमक मिर्च सब्जी में डाल दी, इसको उबालने के लिए मैं चढ़ा रही हूँ। इसको ढक्कन बंद करके चढ़ा रही हूँ उबालने के लिए। मैं सांभर की सब्जी बनाऊंगी और वो भी आपको दिखाऊंगी। दो सीटी मारेगा, दो सीटी तक फिर उसको उतारूंगी। अब मैं सांभर की सब्जी चढ़ा रही हूँ, जितना सब्जी उसी हिसाब से मैं तेल डाल दूंगी। सरसों का तेल आपको जिस तेल में बनाना है आप बना लीजिएगा। तेल गर्म हो जाएगा फिर इसमें मैं मसाला डाल दूंगी। अब सांभर का मैं मसाला डालूंगी, अदरक लहसुन डालिए, इसको अभी इसको मसाला बना जाएगा, इसको मैं सब मसाला देखिए वो सब मसाला आपको दिखाई है निकाल के रखी हूँ, वो डाल रही हूँ। मसाला पक जाएगा फिर जाएगा सब चीज़ डालूंगी, सब सब्जी डालूंगी फिर पानी डाल दे रही हूँ।
पानी और डाल दे रही। सब्जी इसमें डालेंगी, सब्जी आपको दिखाएंगी, तो सब्जी मैं डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे पहले, शिमला मिर्च है, गाजर है, जितना सब्जी में काट के रखेंगे सब इसमें डाल देंगे। उसके बाद ये इसको ढक्कन बंद कर दूँगी, बन जाएगा दूसरी की तरह। फिर इसमें मैं छौंक लगाऊंगी, ताका दूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। तो सब्जी में डाल दूँगी उसको, तो सब सब्जी चला गया इसमें, इसको भूनना है। इसको भूनूंगी, अब इसको पानी डाल के 10 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगा दूंगी। दो सीटी आएगा, फिर इसको उसमें पानी डाल के दो सीटी तक इसको आके रख लूँगी। फिर आपको बाद में फिर इसमें तड़का लगाएंगे, फिर दिखाएंगे। अभी 10 मिनट के लिए इसको सीटी बंद करके फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए सावर का सब्जी मेरा तैयार हो गया, सब्जी मेरा तैयार हो गया सावर का। देखिए मैं इसको गला के बना रही हूँ, और यहाँ मेरा ये सावर का दाल है, ये भी तैयार हो गया। देखिए अच्छे तरीका से मैं ये सबको मिलाऊँगी, छौंक लगा के सबको मिलाऊँगी। मैं इस पर तड़का लगा रही हूँ, तेल डाल रही हूँ, ऐसे में तेल में डाल दिए छाँक के लिए। ऐसे में मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, साबुत तड़का के लिए जीरा चटकने लगा। इसमें मैं लहसुन एक कोटी दी हूँ, एक प्याज ली हूँ, तो इसे मैं डाल दी तड़का के लिए। तड़का के लिए डाल दी, छाँक लगाने के बाद मैं सब मिला दी इसे, सब्जी दाल सांभर तैयार हो गया। अब ये थोड़ा गाढ़ा होगा, फिर मैं इसको उतार दूंगी, फिर इडली बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। मैं इडली बनाने जा रही हूँ, इसे पानी उबालने के लिए चढ़ा दिया है, फिर मैं सांचा में डालूंगी। इसमें देखिए तैयार हो गया, इसमें मैं इनो थोड़ा मिलाई हूँ जरा सा, अब ये ऐसे हो गया। अब मैं इसमें तेल उल लगा दी हूँ, अब मैं सांचा में डाल रही हूँ, उसके बाद स्टैन करके अंदर डालूंगी और दिखा रही हूँ, देखूँगी। मैं इसमें डाल रही हूँ, उसके बाद पूरे सांचा में मैं डाल के आपको दिखाऊंगी। स्टैंड में लगा दी हूँ, इसको मैं पानी में वाला पानी में कुकर में डालूंगी। अब ये ठंडा हो रहा है, उसके बाद मैं इसको निकाल के आपको दिखाऊंगी, निकाल के आपको दिखाऊंगी। देखिए मैं सांचा से निकाल रही हूँ इडली को, इतना अच्छा बना है गोल गोल। देखिए आप भी बनाएंगे तो ऐसा ही बनेगा। ये सबको इसी तरह निकाल लूंगी, देखिए अगर हमारा इडली
सांभर की रेसिपी आपको पसंद है तो देखिए, आपको पसंद है ऐसा बनाइएगा, अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा।